पिछली बार की तरह इस बार भी फॉल आर्मीवर्म नामक कीट ने मक्की की फसल पर अपना प्रकोप डाल दिया है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी उपमंडल श्री नैना देवी के चंगर इलाके के किसान इस सूड़ी हमले से अपनी मक्की की फसल को बचाने के लिए चिंतित हो उठे हैं। मक्की को लगी यह सूड़ी पहले पौधों के गोबू पर अपना प्रभाव डालती है और उसके बाद यह पत्तों में छिद्र कर देती है। प्रतिवर्ष मक्की को लग रही यह सूड़ी किसानों संघ कृषि विभाग के लिए भी चुनौती बनी हुई है। उधर कृषि विभाग की माने तो स्वारघाट ब्लॉक में सूड़ी की दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे किसान ले जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। मनोज कुमार ने कहा कि आजकल मक्की की फसल में ज़्यादातर जो है फॉल आर्मीवर्म के नाम से एक बीमारी आ रही है, जिसमें जो है हरे रंग की पूलियाँ होती है और पूलियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को जो है बर्बाद कर रही है। वो फसल के हरे पत्तों को खाकर जो है फसल को नुकसान पहुँचा रही है। इस बीमारी को रोकने के लिए विभाग के पास जो है कोरेजन नाम से एक दवाई आई है, जिसे 6 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में मिलाकर जो है उसकी स्प्रे करनी है, और स्प्रे करने के बाद एक हफ्ते बाद इसको देखना है कि इसमें कुछ रोकथाम हुई या नहीं, तो एक हफ्ते के बाद जो है वो दूसरी स्प्रे दोबारा करनी है, जिससे फसल को जो है नुकसान से बचाया जा सके। आपका फैसला के लिए बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।